आप देख रहे हैं देश खबर 24 और जा रही है खबरों का सिलसिला। रीवा नगर निगम कमिश्नर सवाजीत यादव पर असंसदीय टिप्पणी कर चर्चाओं में बने रीवा सांसद जनार्दन मिश्र ने अपनी ही टिप्पणी पर चुप्पी साध ली है। सोमवार को भाजपा कार्यालय में पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि नगर निगम कमिश्नर सवाजीत यादव के प्रॉपर्टी की जाँच होनी चाहिए और चाहे तो मेरी भी प्रॉपर्टी की जाँच करा ली जाए। वहीं पूर्व मंत्री व वर्तमान विधायक राजेंद्र शुक्ल को नगर निगम की ओर से जारी की गई वसूली नोटिस पर उन्होंने कहा कि गरीबों को मकान देना कोई अपराध नहीं है, अगर अपराध है तो मैं यह अपराध स्वीकार करने को तैयार हूं, चाहे तो मुझे जेल भेज दो। मैं तो सबसे मांग करता हूं कि सवाजीत यादव की पूरी प्रॉपर्टी की सीबीआई जांच हो, मेरी भी हो और सबकी हो। सवाजीत यादव के बारे में आप लोग यहाँ पूछ रहे हैं, मैं मांग करता हूँ कि सवाजीत यादव के पूरी प्रॉपर्टी की सीबीआई जांच हो और मेरे भी प्रॉपर्टी की सीबीआई जांच हो। पहले कमिश्नर जो थे सर शुक्ला थे, उनकी हो रही, फिर टाइम इतने पार्टी सामने खड़ी हो जा रही। पार्टी सामने खड़ी है क्योंकि दूसरे लोगों की ये छत गिराने के लिए जेसीबी से डरवा के पैसा मांग रहा, इसलिए राजेश शुक्ला जी से बात करिए, अधिकारियों से बात करिए। मेरा जहाँ तक ताल्लुक है और राजेंद्र शुक्ला जी ने जो हमने तो नोटिस देखा नहीं, अगर कोई नोटिस हो आपके पास तो हमको दे दीजिए। और जिस तरह से ये कह रहे हैं कि चार जो आप लोग जो है जो बता रहे हैं वही हमको मालूम कि 4 करोड़ रुपये राजेंद्र शुक्ला दें, राजेंद्र शुक्ला जी ने अगर गरीबों को मकान दे दिया, दिलवा दिया, कोई अपराध कर दिया क्या? प्रधान हमारी योजना है कि हम मुफ्त आवास देंगे, एक योजना मुफ्त आवास की है, एक योजना है कि 15,000 रुपये मार्जिन मनी दे करके और आप कब्जा ले लो, तो जो लोग कब्जे में हैं। बता दें कि रीवा सांसद ने एक दिन पूर्व ही भाजपा कार्यकर्ताओं की सभा को संबोधित करते हुए नगर निगम कमिश्नर पर असंसदीय टिप्पणी की थी, जिसके बाद से मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। इधर सांसद ने जिला पंचायत अध्यक्ष व कांग्रेस नेता अभय मिश्रा के संबंध में पूछे गए सवालों पर तंज कसते हुए कहा कि अभय मिश्रा जी के बारे में क्या कहें, वो महान व्यक्ति हैं, उनकी महानता को सारी दुनिया जानती है, मेरा मुंह क्यों गंदा करवाना चाहते हो? अभय मिश्रा जी के बारे में कुछ नहीं करना है, वो महान व्यक्ति हैं, उनकी महानता को आप भी जानते हैं, सारी दुनिया जानती है, इसलिए मेरा मुंह क्यों गंदा करवाते हैं।